आम सी जिंदगी में एक आम सी कहानी जिसे हम देख तो लेते हैं लेकिन वो क्या कहना चाहती है ये नहीं सुनते। तो चलिए सुनते हैं आज ये खूबसूरत कहानी 1995 की द वाइट बलून, डायरेक्टर जफर पनाही, आईएमडीबी रेटिंग 7.6। कहानी सुने और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी आप जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसी कहानियां सुनने के लिए। तेहरान के शहर की एक शाम, रास्ते लोगों से खचाखच भरी है, हर कोई जल्दबाजी में है क्योंकि नया साल कुछ ही घंटों में लगने वाला है। आज शाम के बाद बाजार दुकानें हफ्ते भर के लिए बंद रहेंगी। फरीदा भी नए साल की खरीदारी में व्यस्त है। अचानक उसे ख्याल आया कि राजिया कहीं नहीं दिख रही। वो घबरा कर इधर उधर उसे ढूंढने लगी। इतनी भीड़ में वो इतनी छोटी सी बच्ची को कहाँ ढूंढेगी। तभी गुब्बारे वाले ने बताया कि वो बच्ची उस और गई है। थोड़ा आगे जाकर उसे राजिया किनारे पर खड़ी दिखी। वो उसे डांटते हुए घर की तरफ बढ़ गई। राजिया घर आकर जिद कर रही है कि उसने बाजार में एक सुनहरी मछली देखी है। उसके पंख इतने सुंदर है, ऐसा लगता है मानो नाच रही हो। सिर्फ 3 मछलियां बची है, जल्दी नहीं गए तो सारे बिक जाएंगे। माँ बोली, घर पे जो मछलियां है उनका क्या होगा। माँ वो बहुत पतली है, अब मुझे वो अच्छी नहीं लगती। राजिया बोली, दरअसल नए साल में मछली को पास में रखना शुभ माना जाता है। मगर काम में व्यस्त माँ को ये सब सुनने की फुर्सत नहीं। उसने राजिया को पानी की हौजी में छन्नी की मदद से एक मछली पकड़कर कांच के जार में भरने को कहा। राजिया पानी में उन मछलियों को देख रही है। इतने में उसका भाई अली आ गया। भाई को देखते ही वो फिर से रोने लगी। भाई, वो सुनहरी मछली बहुत सुंदर है, तैरती है तो ऐसा लगता है जैसे नाच रही हो। मैं तो उसे देखती रह गई। सिर्फ 3 बची है उस दुकानदार के पास, जल्दी जाना होगा नहीं तो वो बिक जाएंगी। पर माँ खरीद नहीं दे रही, कह रही है कि ये मछलियाँ भी तो अच्छी है। और फिर उसने अपना नीला गुब्बारा भाई को देते हुए कहा, ये तुम रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अली ने कहा, तो तुम मुझे उस मछली के बदले ये नीला गुब्बारा दे रही हो। मगर मुझे वो चीज चाहिए जो इस बार चाचा ने तुम्हें तोहफे में दिया है। राजिया उस सुनहरी मछली के बदले कुछ भी देने को तैयार है। अली ने पूछा, दुकानदार ने कितना दाम बताया। राजिया बोली, 100 रुपए। बाप रे बाप, 100 रुपए, तुम्हें मालूम भी है वो कितना ज्यादा होते हैं, उसमें तो कितनी सारी मछलियां आ सकती है। राजिया का चेहरा रुवासा हो गया। तभी पड़ोस का एक बच्चा रेजा आया, उसे नए साल के उपलक्ष में उनके पानी की हौजी से एक मछली चाहिए। माँ ने राजिया को दिखाते हुए कहा, देखो क्या बुराई है इन मछलियों में, रेजा भी तो ले जा रहा है। मगर राजिया नहीं मान रही, उसका चेहरा अभी भी लटका हुआ है। अली ने एक बार माँ से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, माँ मेरे जूते कितने दिनों से फटे हैं, तुमने नए साल में नए जूते दिलाने का वादा किया था। माँ बोली, नए साल में चीजों के दाम बहुत ज्यादा होते हैं ना, मैं तुम्हें बाद में दिला दूंगी। पर माँ ने उसे पैसे रखने वाला बटवा ले आने को कहा, उसमें कुछ खुले पैसे और 500 का एक नोट है। माँ बोली, अभी शाम में सारे बच्चे आएंगे, उन्हें तोहफे नहीं तो हाथ में कुछ पैसे तो देने होंगे। फिर अली ने अंदर जाकर माँ से कुछ कहा, शायद जूते के बदले वो मछली ला देने की बात कही होगी, जिसे माँ का मन पसीज गया। माँ ने अली को आखिरी 500 रुपए निकाल कर दे दिए और कहा, मछली खरीदवा कर बाकी पैसे वापस ले आना। अली ने जैसे ही राजिया को ये बताया, वो फौरन एक हाथ में जार दूसरे हाथ में पैसे लेकर बाहर भागी। दुकानें बंद होने में सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। वो रास्ता गली लोगों की भीड़ पार करते हुए दुकान पहुंची और बोली, मुझे वो सबसे सुंदर सफेद और सुनहरे पंखों वाली मछली लेनी है। दुकानदार ने कहा, वो 200 रुपए की है। राजिया बोली, मगर आपने तो कहा था कि सारी मछलियाँ 100 रुपए की है। फिर वो आदमी बोला, 100 रुपए की छोटी वाली आती है, मगर चलो ठीक है, मैं तुम्हें 100 रुपए में सबसे प्यारी सुंदर छोटी मछली दे दूंगा। मगर ये क्या, जब राजिया ने जार के अंदर हाथ डाला वो तो खाली है, यानी पैसे रास्ते में ही कहीं गिर गए। जब उसने ये बात दुकानदार को बताई कि उसके 500 रुपए कहीं खो गए हैं, पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची को क्या मालूम होगा कि 500 का नोट कैसे दिखने में होता है। उसने राजिया को बारी बारी से कई छोटे बड़े नोट दिखाने लगा, क्या ऐसा दिखता है। हर बार राजिया ने ना में सर हिलाया और बोली, मेरे पास जो रुपए था उसका रंग लाल था और वो काफी बड़ा था। जैसे ही दुकानदार ने 500 का लाल नोट निकाला, राजिया झट से बोली, यही मेरा वाला नोट है। इतने में दुकान पे खड़ी एक उम्रदार महिला ने क्या हुआ पूछा। दुकानदार ने सारी बात उसे बता दी और राजिया को बोला,
तुम जिस रास्ते से आई हो वापसी में उसी रास्ते से जाओ, शायद कहीं गिरी पड़ी हो, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो तो तुम्हें मिल जाएगा। अब मायूस होकर राजिया दुकान के बाहर खड़े होकर कुछ देर इधर उधर देखने लगी। प्यारी सी राजिया को वहाँ खड़ा रोता देख एक औरत ने वजह पूछी और कहा, रो मत बेटा, मैं तुम्हें वो मछली खरीद देती हूँ। लेकिन राजिया को अपने पैसों से ही वो मछली खरीदनी है। इतने में अंदर से वो उम्रदार महिला भी निकल आई और अभी तक वहाँ राजिया को खड़ा देख बोली, चलो तुम जिस रास्ते से आई हो उधर चलते हैं, शायद नोट वहीं कहीं पड़ा हो। राजिया उसे रास्ते में बताती जा रही है कि वो कहाँ कहाँ से आई। फिर वो वहीं एक केक की दुकान के सामने रुकी और अपने जेब की तरफ देखकर बोली, तब भी रुपए मेरे पास थे। महिला बोली, चलो थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। कुछ दुकानों के बाद ही राजिया को वो 500 का नोट रास्ते के किनारे पर बनी लोहे की खिड़की वाले गटर पर दिखा। वो खुश हो गई, मगर तभी एक आदमी तेजी से मोटरबाइक चलाता हुआ आया और नोट उस गटर के अंदर चला गया। राजिया दौड़कर वहां गई और अंदर झांककर देखा तो वो गटर सूखी है और नोट वहीं पड़ा है। उस गटर के सामने वाली दुकान बंद हो चुकी है। महिला ने कहा, चलो पास के दुकानदार से कहकर इसे खुलवाते हैं और नोट निकालते हैं। एक दर्जी के दुकान पे गए, वो भी आज बड़ा व्यस्त है। नए साल पे दुकान बंद करने से पहले उसे सभी ग्राहकों के सिलाई कपड़ों की डिलीवरी देनी है। इसके बाद हफ्ते भर दुकान बंद रहेगी और दुकान के कारीगर भी अपने अपने गाँव चले जाएंगे। महिला ने जाकर उसे ये बात बताई, उसने हाँ हाँ में सर तो हिला दिया। अब इतना कहकर महिला वहाँ से चली गई, क्योंकि उसके भी तो घर पे 100 काम पड़े हैं। अब राजिया काफी देर से दरवाजे पर खड़ी है और दुकानदार अपने काम में मशरूफ हो गया। ऊपर से कारीगर से गलत सिलाई करने पर उसकी अनबन भी होने लगी और यहाँ राजिया के बारे में वो भूल ही गया। राजिया कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद एक बार फिर उस मछली वाले दुकान गई, उसे ये बताने कि उसे खोए पैसे मिल गए हैं जो अभी गटर में गिर गया है, वो जल्द उसे निकाल कर ले आएगी, तब तक वो उसकी मछली किसी को ना बेचे। दुकानदार ने मछली को राजिया के जार में पानी में डालकर उसे थमा दिया और कहा, ये देखो तुम्हारी मछली मैंने एक तरफ कर दी। मछली को पास से देखकर राजिया खुश नहीं हुई। कांच के बर्तन में दूर से तो मछली कितनी मोटी और सुंदर लग रही थी, पास से इतनी पतली और छोटी सी क्यों लग रही है? दुकानदार ने कहा, अरे वो कांच से देखने पर हर मछली बड़ी दिखती है। थोड़ा सोचने के बाद राजिया ने खुद को समझा लिया और कहते हुए गई, किसी को मत बेचना, मैं आऊंगी लेने। वापसी में रास्ते में उसे अली मिल गया जो उसे ही ढूंढ रहा है, क्योंकि काफी देर हो गई है राजिया को घर से निकले। उसे देखते ही उसने पूछा, तुम्हारा जार और पैसे कहाँ हैं? राजिया खामोश खड़ी है। अली बोला, गुम तो नहीं कर दिया ना? राजिया बोली, गुम हो गया था पर मैंने वापस ढूंढ लिया, वो उस दुकान के सामने वाली गटर में है। अली ने भी वहां से झांककर देखा तो नोट वहीं पड़ा है, आसपास की दुकानें भी बंद है। अली सोच में पड़ गया। राजिया बोली, उस कपड़े सिलाई वाले दुकानदार ने कहा है कि वो पैसे निकाल देगा। टेलर मास्टर अभी भी अपने कारीगर को लेकर उलझा हुआ है, क्योंकि कारीगर ने एक शर्ट बिगाड़ दी है और अब कहता है कि वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसे घर जाने के लिए गाड़ी पकड़ने में देरी हो रही है। अब अपने ग्राहक को क्या जवाब दूंगा, बाजार भी बंद होने का समय हो गया है। इतनी परेशानी में वो उन बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। अली के हिम्मत करके पूछने पे वो बोला, उस दुकान का मालिक नए साल में घूमने गया है, एक हफ्ते बाद लौटेगा, तुम तब आके अपने पैसे ले जाना। अब धीरे धीरे करके उसके दुकान के कारीगर भी घर जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो भी अपनी दुकान का शटर बंद करने लगा। अली ने उसके पास शटर को खींचने वाली एक लोहे की छड़ी देकर कहा, क्या मैं इसे पैसे निकालने के लिए थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ? दुकानदार राजी हो गया, मगर छड़ी किसी काम नहीं आई, छोटी होने की वजह से वो वहां तक पहुंच नहीं रही। इधर दुकानदार को घर जाने में देरी हो रही है, उसने बच्चों से घर जाने को कहा, तुम्हारे माँ बाप परेशान होते होंगे, पैसे तुम हफ्ते भर बाद ले जाना, मैं खुद उस दुकान वाले से बात कर लूंगा। मगर बच्चों की परेशानी तो ये है कि नए साल के लिए घर पे और पैसे नहीं है, वापस जाकर अम्मी को क्या जवाब देंगे? जैसे ही दुकानदार जाने लगा, अली भागकर उसके पास गया, हो सके तो गटर के सामने वाले दुकानदार के घर का पता दे दे, मैं उनसे बात कराऊंगा। अली को शायद पता मिल तो गया, मगर वो जगह यहाँ से काफी दूर है। जब अली उस पते पर जाने लगा, राजिया पूछ बैठी, तुमने अम्मी को तो कुछ नहीं बताया ना? अली ने झुंझलाकर कहा, अभी ये सब मत पूछो वरना मैं पता भूल जाऊंगा, थोड़ी दूर जाना होगा मुझे, तुम यही बैठकर मेरा इंतजार करो। अब छोटी राजिया अकेली ही वहाँ बैठी हुई है, तभी एक फौजी वहाँ आया।
जो काफी देर से खड़ा उन दोनों को देख रहा था, वो उसे बात करने की कोशिश करने लगा और राजिया अपनी फ्रॉक से लोहे की जेल को ढकने की कोशिश कर रही है ताकि वो पैसे देख ना सके। फौजी बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं लेने वाला। वो फौजी दरअसल इस दफा छुट्टी में घर नहीं जा पाया। उसकी दो प्यारी बहनें हैं जो लगभग राजिया की ही उम्र की है, इसीलिए वो राजिया के पास बैठकर उसकी प्यारी प्यारी बातें सुन रहा है। पहले तो वो बात करने से थोड़ा हिचकिचा रही थी, मगर फिर धीरे धीरे उन्होंने ढेर सारी बातें की। इतने में अली भी आ गया और अनजान आदमी से बातें करता देख वो उस पर गुस्सा करने लगा, जिसमें फौजी ने उसे समझाया और बहन को डांटने से मना किया। इतने में उसकी गाड़ी आ गई और वो चला गया। अली ने राजिया को बताया, जिस आदमी के घर गया था वो नहाने गया हुआ है, तो मैंने उसके घर वालों को बता तो दिया है, उसके दुकान के सामने मैं उसका इंतजार करूंगा, पर लगता नहीं राजिया कि वो आएगा। दोनों चुपचाप बैठे सोचने लगे अब आगे क्या करें। तभी अली की नजर दूर गुब्बारे बेच रहे एक लड़के पर पड़ी। वो उसकी छड़ी ले आया जिसपे गुब्बारे टंगे हैं। पहले तो दोनों में अनबन हो गई, मगर फिर जब उस लड़के ने देखा सच में रुपए पड़े हैं, उसने छड़ी दे दी, मगर उसकी छड़ी से भी नोट नहीं निकला। ऐसे में उसे एक तरकीब सूझी, अगर एक बबल गम होता तो वो उसे चिपका कर नोट निकाल सकते हैं, लेकिन अली की जेब में पैसे नहीं है और राजे की जेब से बालों में लगाने वाला एक क्लिप निकला। अली उसे ही लेकर पास की दुकान पर गया, मगर वो आदमी अंधा है, अब अली उसे कैसे समझाए कि इस क्लिप के बदले उसे बबल गम दे दे। वो चाहे तो चुपके से बबल गम उठा सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया और चुपचाप वहां से चला आया। आकर देखा तो वो गुब्बारे वाला जा चुका है। उसने राजिया को डांटा, उसे क्यों जाने दिया, तुमने ही तो अनजान लोगों से बात करने को मना किया था, तो मैं उसे कैसे रोकती, राजिया बोली। दोनों फिर से मायूस बैठकर इधर उधर ताकने लगे। तभी दूर से उन्होंने उस गुब्बारे वाले बच्चे को आता हुआ देखा, वो साथ में बबलगम लाया है। तीनों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। बबलगम के तीन हिस्से किए गए, फिर सबने अपने हिस्से की बबलगम खाई और फिर उसे डंडे पे चिपका के नोट निकालने की कोशिश बारी बारी से करने लगे। तीनों को उसमें बहुत मजा आ रहा है, वो अपनी परेशानियां भूल बैठे। तभी जिस दुकान के मालिक को अली बुलाने गया था वो आदमी भी वहां आ पहुंचा। सबने मिलकर पैसे निकाले और इतने में नया साल भी लग गया। इसके बाद अली और राजिया खुशी खुशी मछली लेने पहुंचे, जो अभी भी राजिया के लिए इंतजार कर रहा था, और फिर सभी अपने अपने घर की ओर चल दिए। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।